कैसे हो सब कोई? हम लोग अच्छे हैं, ठीक है। अभी चाय बन गया है और ये थोड़ा लीफ टी है तो इसको थोड़ा भिगोना पड़ता है, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। और कल हम लोग वैक्सीन लिए थे तो इसीलिए थोड़ा लेट जागृत हुआ हम लोग का। चलिए चाय पीते पीते आप लोग के साथ बात करते हैं। आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्चुअली ब्लॉगर है वो शायद थोड़ा बिजी है तो इसीलिए हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रूर आपको उनसे मिलाएंगे। मेरी बेटी भी उठ गई है तो उसको लगा कि मम्मी अचानक से ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत दिन बाद वो देख रही है तो इसीलिए वो भी आज कुछ बोलेगी। बोलो। वेलकम टू माई चैनल। उसको भी ब्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है पर वो बहुत मूडी है, उसको जब मूड होगा तभी वो कुछ बोलेगी, नहीं तो वीडियो के सामने भी नहीं आएगी, है ना। तो चलो अब मुंह धो लो, ब्रश करो। ये देखो यार, पिछला 15 दिन से जो है ये बारिश यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। कल रात को शाम को बहुत सॉलिड बारिश हुआ और पता नहीं यार ये कब तक ऐसा रहेगा। की होता है ना बिस्टी कबे कमबे गो? बिस्टी बोलते पारबे? सीरियसली ठंडा रे, কাল রাতে বড় ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল আমার। না না, এখানে বৃষ্টিটা বড় ডेंजरस বৃষ্টি। ও আগে থেকে গাড়ি বার করে বসে আছে। তুমি মানে চা পি দিয়ে দাও, চা। ক্লাস করা থেকে हम लोग का कल सेकेंड डोज भी हो गया वैक्सीनेशन, सो हम लोग अभी फुली वैक्सीनेटेड है और फ्रीली फिर भी घूम नहीं सकते क्योंकि अभी भी थर्ड वेव का थोड़ा सा ये सिम्टम्स आ रहा है इंडिया में। सो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में घूमना जरूरी, घूमना तो ज़रूरी है बट हाँ थोड़ा प्रिकॉशन और सैनिटाइज़र के साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लेने के बाद ना हम लोग को कुछ भी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं, थोड़ा सा हाथ में दर्द है और ज़्यादा कुछ कल फीवर वगैरह कुछ आया पहले जैसा नहीं है, है ना। पहले फर्स्ट डोज में जैसा प्रॉब्लम हुआ था ना, एकदम फीवर उबर 103 मेडिसिन वगैरह खाना पड़ा, सेकेंड डोज में वैसा कुछ हुआ नहीं। आई थिंक तो शिवरिंग भी आ गए थे। हाँ सो आई थिंक अब पता नहीं आप लोग के साथ कैसा हुआ, सेकेंड डोज में कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं बताइएगा जरूर कमेंट में। बट हम लोग का तो कल एकदम सॉलिड, और कल हम लोग दोनों साथ में ले भी लिए थे, सोचे थे कि देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, बट हाँ मेडिसिन लेके सो जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, बेस्ट पार्ट। गुड्डे बिस्किट दिए चा खेते जा लागे ना काकी, सीरियसली जा लागे ना काकी। आवर की काका वाले तो कामे वाले काकी, मे वाले काकी, चलो वाले काका कोलकाता बोले ना काका की कुछ हो कोलकाता तो जोनों का सवाई ডাম্প লেগে যায়,
पूरा डाला डाला बेके जाए, वेस्ट हो जाए, भल लागे ना एकदम। কোন রকম এতে গোলা আর কি হলিক্স ডালা পেয়ে গেছে, উপর দিকটা একটু এ হয়ে যায়, ড্যাম্প লেগে গেছে ড্যাম্প। হ্যাঁ, তা কি করবো এখন, রোদ্দুরে রেখে দেবো? রোদ্দুরে আসায় রেখে দিলে তো মানে আবার ভিজে আরো ড্যাম্প হয়ে যাবে। রোদ্দুর তো কত, রোদ্দুর দেখছি না এক দু সপ্তাহ। তো কালকে সকালবেলা একটু উঠলো, তাও ভাগ্য ভালো, একটু উঠলো, আমরা ভ্যাকসিনটা দিয়ে চলে এলাম, তারপরে শুরু হলো। হ্যাঁ, আজকে কি রান্না হবে? মাছের ঝোল ভাত করে দিই, পাতলা করে মাছের ঝোল করিয়েছি। কালকে অনেক সবজি লাগতে দিয়েছি, আজকে আর সবজি দেবো না, নর্মাল করবো। কি কামড়ে যে ভগবানে জানে, ওর এক্ষুনি ওখানে বসে বসে কামড়ালো। এটা এখন কামড়ালো? তো তোমাকে কেন, আমি তো বলেছিলাম কি টেবিলের ভেতরে পা ঢুকিয়ে না বসতে, কেন বসেছো টেবিলের ভেতরে? তুমি গিয়ে অন্ধকারে কেন বসে যাও? যখনই বসতে হবে টেবিলটাকে সামনে নিয়ে নেবে, এটা একটা ফেলে দেবো, প্যাকেটের মধ্যে করে ঢুকিয়ে দাও। ওয়াটারটা দেখেছো কালকে এনেছি, এটা সল্টেড বাটার বলছে তো ভালো হবে। হ্যাঁ ভালোই হবে। হ্যাঁ, এবার খুলে দেখো তো এটা কেমন করে হয়। ভালো, আজকে ডিম মেক টোস্ট করে দেবে ওই মাঝখান থেকে ফুটো করে? না না, তেমনি ডিমের চুপিয়ে চুপিয়ে অমলেট করে স্যান্ডউইচ করে দেবো। আচ্ছা, অমলেট আলাদা স্যান্ডউইচ আলাদা তো? হ্যাঁ ভালো করে, অনেকদিন খাইনি, ভালোই হয়। ওর কী হয়েছে? ওর শেজওয়ান সস দিয়েছে আবার। তুমিও চলে এসো খেয়ে নাও। কেমন আছে? ভালো আছে?